हेलो गाइस, मैं हूं रजत। तो जैसे कि आपको पता है, फाइनली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रिलीज हो चुका है। अगर आपने उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हो तो आई बटन में उसका लिंक होगा वीडियो का, आप देख सकते हो और फिर किसी भी फोन में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हो। तो गाइस, अब हम आते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में इंटरेस्टेड हो, तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप किसी भी फ़ोन में, किसी भी लो एंड डिवाइस में जिसकी रैम 3GB हो, 4GB हो, आराम से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को ना ही आप स्मूथली प्ले कर पाओगे बल्कि आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर उसको खेल पाओगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं एक GFX टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप अभी तक आपने कभी भी GFX टूल को यूज़ नहीं किया, एक एप्लीकेशन होती है, मैं आपको बता दूँ। ये एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने जो BGMI कह लो, हमारा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छे से और बहुत अच्छे से हम गेम को चला सकते हैं। अगर आपने उसको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो गाइस टेंशन मत लो, मैं आपको शुरू से एंड तक उसकी सेटिंग बताऊंगा। और गाइस अगर आप पहले से ही GFX टूल के बारे में जानते हो तो गाइस आपको कुछ अच्छी सेटिंग्स जानने की ज़रूरत है ताकि आपका गेम इंप्रूव हो और आप अच्छी सेटिंग्स पर प्ले कर पाए। तो गाइस सबसे पहले हम वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कैसे हम GFX टूल को यूज़ करके बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया स्मूथली प्ले कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड की स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को आप कैसे स्मूथली प्ले कर सकते हो किसी भी फोन में हाईएस्ट फ्रेम रेट पर। तो गाइस सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा GFX टूल, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करना तो गाइस कुछ ऐसा वाला आ जाएगा, GFX टूल फॉर पबजी गेम लॉन्चर। ये पबजी का GFX टूल है लेकिन अब इसमें BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का भी ऑप्शन आ गया। तो गाइस अब हम इसे ओपन कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेना आप, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहे हैं कि 1.4x ग्लोबल है और 1.4x BGMI है और बाकी के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आपको और किसी पर ऑप्शन पर नहीं जाना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना है जो आप देख सकते हो 1.4x ब्रैकेट में लिखा हुआ है BGMI, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस ऐड आ गया है, इसका साउंड मैंने बंद कर दिया, ये ऐड आ गया है, बस इसे हट जाने दीजिए, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐड हट चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले सेटिंग्स क्या करनी है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, जल्दी से देखो रिजोल्यूशन क्या है। मैंने यहाँ पर HD सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत FHD प्लस और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन है इस टाइम पर जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4GB रैम, इसमें 636 स्नैपड्रैगन है। तो गाइस एक मीडियम रेंज फ़ोन है तो उसमें हमारा HD इनफ है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन और सस्ता है, 3GB रैम वाला है या स्पेसिफिकेशन उसके कम है, तो आप इसमें बहुत मतलब कम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 768x432 रिजोल्यूशन। तो इसमें रिजोल्यूशन तो कम हो जाएगा लेकिन आपका गेम स्मूथ हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं। और गाइस स्मूथ ये है ग्राफिक्स, यहाँ पर आपको स्मूथ सिलेक्ट करना है। आपका कोई भी फ़ोन सही, आपको ग्राफिक्स स्मूथ ही सिलेक्ट करना है, ग्राफिक्स को हाई ना करें, ठीक है, अगर आपको गेम स्मूथ करना है तो। FPS तो गाइस सब में 90 FPS सपोर्ट नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 60 FPS सब में सिलेक्ट कर ले अपने फ़ोन में, 60 FPS सिलेक्ट कर ले। और ये एंटी एलियजिंग ये जो है आप इसको इनेबल ना रखें, इसको डिसेबल ही रखें। और ये स्टाइल्स है, इसको आप कुछ भी रख लो, आप क्लासिक रख लो और कलरफुल जो भी आप करना चाहो। रेंडर क्वालिटी को लो रखो और बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हो, टेक्सचर क्वालिटी लो रखो, ठीक है, इफेक्ट क्वालिटी लो रखो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे लो मीडियम हाई सब का ऑप्शन आएगा, आप लो रखना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स फॉर इफेक्ट्स लो रखो, ऑब्जेक्ट LOD डिस्टेंस लो, और ये जितने भी हैं ये लो रखो आप। कलर फॉर्मेट डिफॉल्ट पर रखो, चाहो तो आप सिलेक्ट कर लेना 32-bit या 64-bit, मैं डिफॉल्ट ही करूँगा आपको रिकमेंड, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। और गाइस डिटेल्ड मोड को भी लो रखो और लाइट इफेक्ट्स को भी लो रखो, ठीक है, और बाकी सब चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। और लास्ट का आप देख सकते हो जो ऑप्शन आ रहा है सेव कंट्रोल्स, इसको ज़रूर इनेबल कर दो। इससे ये होगा कि जो भी आप सेटिंग्स इस पे अप्लाई करोगे वो उस कंट्रोल्स में सेव हो जाएंगे, आपको बार बार एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार आपको सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। और इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको बस एक्सेप्ट, तो गाइस अब आपको रन गेम पर क्लिक कर देना है।
तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गेमिंग में कि कितना अच्छा जो स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मुझको मिल रहा है। आप देखो गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप मूवमेंट, आप जो इसकी मूवमेंट देखिए गाइस, अगर आपके फ़ोन में जो आप गेमिंग करते हो गए आपको नहीं मिल पा रही होगी, तो आप अब देख सकते हो कि 60 FPS पर गेम में फ्रेम कितने कम स्किप होते हैं और आपको आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा गेमिंग का अगर आप ऐसी सेटिंग्स को इनेबल करते हो। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कितनी आसानी से हम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को किसी भी फ़ोन में, किसी भी लो एंड डिवाइस में इतने स्मूथली प्ले कर सकते हैं और इतना स्मूथ जब चलेगा, फ्रेम रेट इतना हाई रहेगा, तो गाइस किसी की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। जो मोस्टली परफॉर्मेंस में इशू रहते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि फ़ोन आपका परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो गाइस मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए। टिल देन बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।